हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम घर पे ब्रेड बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में बनाएंगे बिना ओवन के। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैदा ले ली हूँ, और ये स्टैंड ड्राई ईस्ट है, एक चम्मच ये ले ली हूँ। इस तरह से पैकेट में आता है, तो इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें चीनी डालेंगे। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे सब। मैं मिक्स कर ली हूँ तीनों चीजों को। अब मैं इस मैदा में एक चम्मच मिल्क पाउडर इसे डाल दूंगी। अब अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस जब आटा गूंदेंगे तो पानी की जगह दूध के साथ गूंद लें तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। सबको हम मिला लेते हैं। ऐसे गुनगुना पानी के साथ हमें गूंदना है इस आटा को। रोटी जैसे गूंदते हैं रोटी के लिए आटा, उससे हल्का इसे गीला करना है। इसे हम गुनगुना पानी के साथ गूंद लेते हैं आटा को। हम मिल्क पाउडर को मिला लिए। हम इसमें ईस्ट और नमक चीनी जो घोल कर रखे थे साइड में उसे भी मिला लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गूंद लेते हैं। ये देखिए मैं गूंद लिया है इसे, इस तरह से होना चाहिए गीला आटा। अब हम इसे आधा घंटा के लिए ढककर छोड़ देते हैं, जिससे इसमें खमीर आ जाए। ये जितना है इतना ऊपर फूल कर आ जाएगा, तब एक खमीर तैयार हो जाएगा। इसे हम किसी भी बर्तन से ढक कर छोड़ देते हैं आधा घंटा के लिए। आधा घंटा बाद हम देखते हैं। आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए काफी फूल के ऊपर आ गया है। इसकी हम हवा निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से खमीर बन गया इसमें। इसे एक बार फिर से हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। मैं एक चॉकला ले लूंगी, इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर ली हूँ। इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। इसे हमें इस तरह से करना है। इसे हम बेल लेते हैं। टाइट इस तरह से रोल करते हुए आना है। मैं रोल कर ली। इससे हमें फूले नहीं, इसके लिए ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे कर लेना है। इधर से भी कर लेंगे इसको ऐसे होल्ड।
इस साइड से भी हम कर लेंगे। हम इसमें केक बनाएंगे, वैसे केक के लिए अलग से टिन आता है, पर हम आज इसमें ही बनाएंगे। अगर आपके पास जो है उसी में बना सकते हैं, थोड़ा शेप में डिफरेंट हो जाएगा। इससे इसी तरह से इसे बेल लेते हैं, इसको इसके अंदर रखते हैं। इस बर्तन में भी हम थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लिए हैं, उसको पूरे में फैला देंगे। ये देखिए मैं पूरे में फैला ली हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे जिससे सूखे नहीं। अब इसे फिर से हम आधा घंटा के लिए ढककर रख देंगे। इसे इस तरह से ढक देते हैं। आधा घंटा के बाद फिर हम देखते हैं। आधा घंटा हो गया हमें ढके हुए, देख लेती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से फूल चुका है। इसको ऊपर से हम थोड़ा सा फिर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। एक कढ़ाई में हम नमक डाल रखे हैं, इसे हम इसमें बेक करेंगे। कढ़ाई में ही आज बेक करेंगे हम। तो आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी ब्रेड आसानी तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसी के ऊपर ये रख देते हैं, एक स्टैंड लगा दिए हैं, गैस हम चला दिए हैं। हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है। 15 से 20 मिनट में बेक होकर तैयार हो जाएगा हमारा केक। इसे हम किसी चीज से ढक देंगे जिससे इसका शेप मिले। फ्लेम को लो कर देते हैं। आधे घंटे के बाद हम देखते हैं। आधा घंटा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं अपने ब्रेड को। ये देखिए इसे बेक हुआ है। हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। इसे हमें ठंडा करना है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम काटेंगे। इसे 2 से 3 घंटा तक हम ऐसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम कट करके दिखाएंगे आपको। 3 घंटे के बाद मैं इसे काट ली हूँ। देखिए ठंडा हो गया तो पूरी तरह से, थोड़ा साइज में बड़ा बन गया है। देखिए सारे ब्रेड से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैं बेक करते टाइम ब्रेड का टिन अलग आता है, मैं इसमें बेक किया था केक टिन में, इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। देखिए बहुत अच्छा ब्रेड बनकर तैयार हुआ है मेरा। 1 2 3 4 5 पीस ब्रेड बना है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। आपके पास ओवन नहीं है तो आप नमक में भी इसी तरह से बेक करके खा सकते हैं। घर का ये ब्रेड है, बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड। इसे सेक कर आप खाइए, जैसे बाहर से लाकर खाते हैं बटर लगाकर, बहुत ही टेस्टी हुआ है ब्रेड। इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स, खाइए, एंजॉय कीजिए घर का बना हुआ ब्रेड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, थैंक यू।